मानदेय और लंबित बिलों के भुगतान की मांग को लेकर आंदोलनरत सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी। सस्ता गल्ला विक्रेता संघ के अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि 18 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। हम इस धरना प्रदर्शन को भूख हड़ताल में और उसके बाद आमरण अनशन की ओर ले जाने के लिए बाध्य रहेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। जल्द उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वह भूख हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने टकाना रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर धरना दिया। डॉक्टर लीलाधर भट्ट मेमोरियल सीमांत आंखों के अस्पताल का उद्घाटन राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल और गुरुकुलानंद सरस्वती कच्चाहारी बाबा ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन अवसर बोलते हुए डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि अस्पताल खुलने से क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। सभासद अनिल मेहरा ने सर्दोत्सव आयोजन को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा है कि सर्दोत्सव आयोजन की सूचना द्वितीय शनिवार को अधिकारियों के हस्ताक्षर से कैसे जारी की गई? उन्होंने आयोजन को लेकर होने वाले खर्च का ब्यौरा देने, पूर्व में लगी ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण अब तक नहीं किए जाने जैसे तमाम सवाल पालिका अध्यक्ष के सामने रखते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगरपालिका ने बुधवार से फिर अभियान शुरू कर दिया है। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी के निर्देशन में पालिका की टीम ने नगर में चेकिंग अभियान चलाया। 7 दुकानों से सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद की गई। व्यापारियों पर 3,800 रुपए चालान की कार्रवाई की गई। अधिशासी अधिकारी ने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी रीना जोशी ने बुधवार को गंगा समिति की बैठक ली। उन्होंने कहा कि दूषित जल किसी भी स्थिति में नदियों में प्रवाहित ना किया जाए, इस पर सख्ती से रोक लगे। उन्होंने आईटीबीपी के अधिकारियों को सेना की तर्ज पर एसटीपी बनाए जाने को कहा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्राम स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के मापन को पंचायत विकास सूचकांक तैयार किया जाएगा। इसके लिए बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया। विकास सूचकांक में कृषि, दुग्ध, पशुपालन, सिंचाई, लघु सिंचाई, जल निगम, समाज कल्याण, राजस्व, बैंकिंग, वन आदि संबंधी डाटा जुटाए जाएंगे। भांग की खेती को नष्ट करने के लिए पुलिस का अभियान जारी है। बुधवार को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हिमांशु पंत के नेतृत्व में छेड़ा, डूंगा टोली और छाना गांव में 22 नाली भूमि में लगी भांग की खेती को नष्ट कराया। इस दौरान लोगों से नशा उन्मूलन में सहयोग की अपील की। अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत गैर जमानती वारंटी को पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। वारंटी नारायण सिंह निवासी तोली को सर्विलांस की मदद से देहरादून से पकड़ा गया। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी छात्रवृत्ति योजना के लिए 20 और 21 अक्टूबर को फिर ट्रायल कराए जाएंगे। जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि पहले चरण में हुए ट्रायल में सभी 200 खिलाड़ियों का चयन नहीं हो पाया। खिलाड़ियों के चयन के लिए 20 और 21 अक्टूबर को स्पोर्ट्स स्टेडियम में फिर ट्रायल कराए जाएंगे। इस बार ट्रायल जिला स्तर पर ही होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य को नशा मुक्त बनाए जाने के क्रम में चंपावत पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर जिले में अवैध तरीके से उगाई गई भांग की खेती को नष्ट किया जा रहा है। इसी के तहत बिलाई में 30 नाली भूमि में अवैध तरीके से उगाई गई भांग की खेती को पुलिस ने नष्ट कर दिया। ग्रामीणों को आगे से भांग की खेती न करने की हिदायत दी गई। ऋषभ मैत्री मसाले की फाउंडर दीपिका चुफाला बीड़ उद्योग परिसर में मसाला फैक्ट्री स्थापित करेंगी। उन्होंने बुधवार को अपने परिवार संग फैक्ट्री के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष पूर्व लघु प्लांट से शुरू किया गया ऑर्गेनिक मसाले का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसे और बेहतर रूप देने के लिए अब फैक्ट्री लगाई जा रही है। भूमि पूजन अवसर पर उनके पिता विधायक बिशन सिंह चुफाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।